नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु गैरमनी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी और प्रभारी सचिव चंदन यादव आज नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। वे सर्किट हाउस पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद वे मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक और फिर कांग्रेस विधायकों की बैठक लेंगे और रविवार को वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएल पुनिया और सचिन यादव का दौरा है रायपुर का, आपको बता दें। सर्किट हाउस में बैठक लेंगे पुनिया और यादव, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे में? देखिए, जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, 21 दिसंबर को चुनाव होना है, एक ही चरण में चुनाव होना है और 24 दिसंबर को उसके नतीजे आने हैं, तो इसी को लेकर जो गतिविधियां और हलचल है वो तेज हो गई है। आज जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं पीएल पुनिया और जो प्रभारी सचिव है चंदन यादव, वो दोनों एक साथ रायपुर पहुंचेंगे। अगर बात की जाए तो 29 मतलब आज यानी 7:15 बजे शाम को इन लोगों की उम्मीद ईमान से दोनों आएंगे। उसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस में जो वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनसे वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद 30 नवंबर यानी कल सुबह 11 बजे राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला शहर अध्यक्ष, जिला प्रभारी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे। दोपहर 1 बजे मोर्चा संगठन की बैठक होगी, उसके बाद शाम 5 बजे कंट्रोल रूम सदस्यों की बैठक और शाम 7 बजे जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी वो बैठक लेंगे। निश्चित तौर पर पीएल पुनिया चीफ सदस्य नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी छत्तीसगढ़ में, तो उस गलती को भुलाना चाह रही है कांग्रेस और एक नए सिरे से नगरीय निकाय चुनाव में जो सरकार ने 11 महीने अब 12 महीने होने को है, 1 साल होने को है, तो उन 1 साल में क्या कुछ काम सरकार ने किया है इसको लेकर जनता के बीच जाने का प्लान एक बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।